बाबा क्या नाम था उनका? अरे उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। एक बाबा आए थे बहुत इरिटेटिंग, और एक वो टाइम आउट, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, समझ गए ना? एक बाबा आए थे ना, ओम स्वामी ओम, वो आपको याद नहीं है, वो मुझे याद है। और प्रतीक तो मेरी एजेंसी का ही था, तो मेरे को पता है उसके बारे में। तो सीजन 15 में फर्स्ट कंटेस्टेंट कौन सा बाहर हुआ था बताओ? क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये हाँ Which was the most watched and loved season record breaking? Dolly Bindra का कौन सा डायलॉग बीबी में बोला हुआ अब तक पॉपुलर है? कुछ तो था, बाप पे जाना नहीं, बाप पे जा, वही ना। बीबी के घर में किस कपल ने शादी की थी? सारा खान और अली मर्जेंट। शहनाज गिल को बिग बॉस 13 में घर में सबसे पहले कौन पसंद आया था? पारस छाबड़ा। मतलब बहुत अच्छे से आप फॉलो करते हो। 13 तो मैंने अभी देखा है। बिग बॉस 16 में तेजस्वी प्रकाश का घर में दुश्मन कौन था जिससे उनकी बात नहीं बनती? प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी। बिग बॉस इज बेस्ड ऑन विच वेस्टर्न शो? बिग ब्रदर। सुपर इंटेलिजेंट गाय। आपके लिए मोस्ट इरिटेट कंटेंट कौन कंटेस्टेंट कौन है? बाबा क्या नाम था उनका? अरे उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। एक बाबा आए थे बहुत इरिटेटिंग, और एक वो टाइम आउट, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, समझ गए ना आप? एक बाबा आए थे ना, ओम स्वामी ओम, वो। बिग बॉस का ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जो खुद बिग बॉस का विनर रहा लेकिन और भी दो रियलिटी शोज जीता? प्रिंस नरूला। वो तो मेरे भाई है ना, उनको घोल के नहीं। ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये बहुत मेन क्वेश्चंस है, तो ये वैसे भी मीडिया में आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे। जैसे मैंने तेजस्वी वाला सीजन नहीं देखा, और मैंने ये सिद्धार्थ वाला सीजन भी, शहनाज वाला सीजन भी अभी देखा थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो। और प्रतीक तो मेरी एजेंसी का ही था, तो मेरे को पता है उसके बारे में, तो इसलिए। हाँ वही, तभी मैंने बोला आपको। इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट सीजन 15 में था, आसिम रियाज और पारस छाबड़ा? सीजन 15 में था, 15 में था पारस छाबड़ा, आसिम तो फिर से नहीं आया। तो वही तो मैंने बोला आपने कि वो दोनों नहीं थे ना फिर। हाँ तो दोनों नहीं थे, तो मुझे लगा पारस बीच में आया होगा, बट आसिम तो नहीं आया था। नहीं नहीं मुझे लगा वो आते हैं ना बीच में कभी कभी वो। हाँ नहीं आया, दोनों ही नहीं आए थे। हाँ गलत हो गया, एक मेरी चॉकलेट कैंसिल। शहनाज गिल का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस हुआ जिसके रील्स भी बहुत बने और वो ट्रेंड भी हुआ और म्यूजिक वीडियो में भी उसे यूज किया गया? सादा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। अरे ये सारे वायरल चीजें हैं ये। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.